कर रही है। बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन वंदन। और बहुत दूर से आप पधारे हैं, भगवान आप पर बहुत कृपा करें, सदा सदा सुखमय जीवन रहे, सदा आगे बढ़े। और ध्यान देंगे, श्री मुद्दान सिंह 101 रुपए दद्दा दे रहे हैं और 101 रुपए श्री गुलाम सिंह यादव दद्दा की तरफ से सम्मान कर रहे हैं। बड़े बुजुर्गों से हम आशीर्वाद की कामना करेंगे और जो भी हमारे दूर दूर से भक्तजन आ रहे हैं, आज तो मथुरा से काफी लोग पधारे हैं, बहुत खुशी की बात है। आ जाइए, इसी के साथ में पुनः माला का सम्मान श्री सुभाष यादव मथुरा से। तो मैं श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि सभी भक्तों की इच्छा पूर्ण करें और सभी भक्तों को आप आशीर्वाद दें, सदा सबका जीवन प्रसन्न चित रहे, ऐसी भगवान से मेरी प्रार्थना है। और एक ही नहीं, भगवान साईं नर्मदेश्वर सभी भक्तों का कल्याण करें। बोल सच्चिदानंद भगवान की। आ जाइए, आदरणीय परम मंगलमय परात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बल वाले भक्त वांछात कल्प करो तड़िदित वरण्य पीतामरधारी श्री बालकृष्ण लाल बांग में प्रतिमूर्ति श्री मद्भागवत महापुराण सती अनुसुईया के समान हमारी मात्र शक्तियां, नन्हे मुन्ने बच्चे, आदर योग्य सभी बुजुर्ग, और आदरणीय सम्मानी हमारे संत भगवान, दूर दूर से आए हुए सभी विद्वान मूर्तियां और सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है। भागवत जी की आप लोगों ने बड़ी शोभा बनाई है और भगवान सदा आप सबकी इच्छा को तृप्त करे। आज कथा के सातवें दिवस में हम सभी प्रवेश किए हैं और बड़े मन से कथा सुनेंगे। कहते हैं ये 6 दिन की जो कथा निकल गई है, यदि हमें नहीं समय मिल पाया तो आज यदि हम मन लगा के भगवान की कथा सुनेंगे तो पूरा फल आज हमें प्राप्त होगा। सातवें दिवस जो है, क्योंकि जहां से कथा का आरंभ होता है हमारे परीक्षित महाराज की कथा से, क्योंकि मेरे कन्हैया का आगमन कब होता है, जब श्री परीक्षित जी आ जाते हैं। परीक्षित का जब जन्म होता है तभी आगे चल के हमारे गोविंद का अवतार हुआ। बड़ा पावन पवित्र चरित्र है। तो परीक्षित को श्राप हो गया, कलयुग आया, द्वापर का अंत हुआ। तो जो आपने पहले दिन सुना वो आज फिर सुनोगे, बोल गोविंद भगवान की। इसीलिए आज जो है पूरी कथा का निचोड़ होता है। आज सातवां दिवस है और बहुत सुंदर भगवान की कथा है। कथा कभी भगवान की खत्म नहीं होती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहुविध श्रुत संता। भगवान की कथा कभी खत्म नहीं होती है, केवल इसमें विराम लगाएंगे आज। सात दिन क्या, सात महीने भी कथा चलती रहे, सात वर्ष भी चलती रहे, फिर भी कथा पूर्ण नहीं होगी। ये तो संक्षिप्त रूप में हम लोग आनंद ले रहे हैं सात दिन में। तो आ जाइए, आज जो है बहुत सुंदर कथा है भगवान की, जिसमें ध्यान देंगे, भगवान कन्हैया ने मामा कंस का उद्धार किया जेल में। जो माता पिता बंद थे, माता देवकी और पिता वसुदेव, ध्यान देंगे। इसी के साथ 101 रुपए का सम्मान हमारे श्री सुरेंद्र सिंह, हमारे दद्दा जो गुलाब सिंह है उनके सुपुत्र, ये सम्मान कर रहे हैं।
तो हम भगवान से कामना करेंगे कि सदा धर्म के रास्ते पर आपको आगे बढ़ाएं, सदा ही भगवान की कृपा आपको मिलती रहे, ऐसी भगवान से मेरी कामना है। ये पुणे माला का सम्मान राकेश भैया नंगला सुर्खियां सुर्खियां अच्छा अच्छा तो ये भैया हमारे सम्मान कर रहे हैं। और ये पुणे माला का सम्मान श्री मुगल सिंह नंगला मानिक, ये भैया की तरफ से सम्मान है। तो बड़े बुजुर्गों से हम आशीर्वाद की कामना करेंगे, छोटों के लिए भगवान साई नर्मदेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि सदा सदा सुखमय जीवन रहें, सदा आगे बढ़ें, भगवान सदा आपका कल्याण करें। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो आ जाइए, भगवान ने किस प्रकार जेल में माता पिता जो बंद थे उन्हें जाकर जेल से मुक्त किया है। और मेरे श्रोता बंधु, भगवान श्याम ने नाना उग्रसेन का राज तिलक किया, खुद नहीं राजा बने, क्यों? लोगों को ऐसा लगेगा कि शायद मामा कंस का इसीलिए उद्धार किया, खुद राजगद्दी पाने के लिए। भगवान तो निस्वार्थ सेवा करते हैं। नाना उग्रसेन को बैठा लिया, भगवान मथुरा में रहे और थोड़ा समय व्यतीत हुआ। उसके बाद में एक दिन माता देवकी ने वसुदेव जी से कही, महाराज हाँ बेटा ने जन्म लिया और यहाँ से तुरंत आपने गोकुल पहुंचाया। एक भी दिन मैंने अपनी गोद में नहीं खिलाया, एक दिन भी मैंने अपने हाथ से उसे भोजन नहीं कराया। आज मेरा ऐसा मन हो रहा है कि मैं कन्हैया को अपने हाथ से भोजन कराया। वसुदेव जी बोले, जैसी आपकी इच्छा। मैया ने सुंदर से व्यंजन रखे, थाली सजाई और थाली सजा करके मैया आगे बढ़ी तो एक बात याद आ गई। क्या? मेरे